हाय गाइस, आज मैं बात करूंगा स्ट्रे डॉग्स के बारे में। तो सबसे पहले ये बात जान ले कि स्ट्रे डॉग्स या एनिमल्स से ना ही कोरोना वायरस उनको होता है ना ही स्प्रेड होता है। तो जो लोग अपने पेट्स को अबैंडन कर देते हैं या एनिमल्स को इस तरह से ट्रीट करते हैं कि उनसे वो फैल सकता है, तो अपनी सोच बदल ले। इसके लिए मेनका गांधी जी ने एक वीडियो में, एक इंटरव्यू में कहा भी था, जिसका लिंक भी मैंने शेयर किया इस वीडियो के नीचे। दूसरी बात ये है कि लॉकडाउन होने की वजह से जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं जो अपने खाने के लिए ज़्यादातर होटल्स के वेस्ट और जो रोड साइड फूड स्टॉल के वेस्ट होते थे उन पे डिपेंडेंट होते थे, तो ये सारे बंद होने की वजह से अचानक से खाने की बहुत कमी हो गई उनको, और जिसकी वजह से वो भूख से मर भी रहे हैं और एग्रेसिव होते जा रहे हैं। तो इस फूड की जो कमी है उसको दूर करने के लिए मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप दिन में कोई भी खाने के टाइम पे सिर्फ एक रोटी एक दिन और सिर्फ एक डॉग को आप खिलाइए डेली। सिर्फ इतना सा अगर आप काम करेंगे तो जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनका पेट भर जाएगा और आपको बहुत दुआ मिलेगी उनकी। इसके बाद बहुत से डॉग्स आपके पीछे, आपके बाइक या कार के पीछे भागते हैं अक्सर, जिससे और लोग डर जाते हैं। तो इसका मेन रीज़न ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी बैग है या कैरी बैग है जिसमें कुछ सामान है, इनसे उनको लगता है कि आपने किसी डॉग को पकड़ के आप ले जा रहे हैं। तो बेसिक है, सिर्फ अगर आप बिना डरे अपनी गाड़ी या कार या बाइक या पैदल भी चल रहे हो तो स्लो हो जाओगे, एक जगह पर रुक जाओगे तो आपका पीछा छोड़ देंगे। अब बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि स्ट्रे डॉग्स से, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको पॉइजनिंग दे देते हैं, उनको मारते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्ट्रे डॉग्स आए कहाँ से। जब आप जहाँ पर रहते हो, कुछ सालों पहले वहाँ पर जंगल था, वहाँ पर वो रहते थे, फिर हमने जंगल तोड़ के बिल्डिंग बना दी और फिर वो रास्ते पर आ गए और फिर हम कहते हैं कि स्ट्रे डॉग्स है। जैसा मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं रहता हूँ खड़कपाड़ा में, यहाँ पे आज से 20 से 25 साल पहले जंगल हुआ करता था जहाँ पे सारे एनिमल्स डॉग्स वगैरह रहते थे। बहुत सारे एनिमल्स तो मर गए जो सर्वाइव नहीं कर पाए, और डॉग्स ऐसे हैं कि जो अडेप्ट कर लिए और वो सर्वाइव कर रहे। तो अगर हम उनके घर को तोड़ के हमारा घर बनाते हैं तो एटलीस्ट इतनी तो हमारी जवाबदारी होनी चाहिए कि उनको हम अच्छे से रखें और कम से कम उनको नहीं मारें। सो गाइस, जैसे डॉग्स को नहीं समझ में आया कि लॉकडाउन हुआ था और इतनी खाने की शॉर्टेज क्यों हो गई, उसी तरह अनलॉक हो गया है फिर से इतनी सारी गाड़ियाँ वगैरह आ गई है, ये भी उनको नहीं समझ में आ रहा है। क्यों, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि जब हम बाहर निकले, हम गाड़ियों से जा रहे हैं, तो ये खास ध्यान दें कि कोई एनिमल, स्ट्रे डॉग, स्ट्रे कैट्स या कोई गाय या कोई भी जानवर हो, इसका हम खास ध्यान रखें और ये नहीं समझे कि ये उसी तरह से यूज टू है जैसे पहले हुआ करते थे। आज इनको स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा सा अपने आप को संभाल के जाना पड़ेगा। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने हमारा सीट फाड़ दिया या और हमारे इधर रोड पे पॉटी कर रहे हैं या ऐसी कुछ बहुत सारी चीज़ें छोटा मोटा नुकसान कर देते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि डॉग्स जो होते हैं वो एक बच्चों की तरह होते हैं। जैसे हमारे बच्चे होते हैं वो भी कुछ चीज़ें कभी फाड़ देते हैं, कुछ कर देते हैं, इसी तरह जो डॉग्स होते हैं भी बच्चे होते हैं। अगर इन्हें हमारे जितनी अक्ल होती है तो वो इंसान होते हैं। तो ये हम समझदार है, हमको ये बात समझनी चाहिए, हमें ऊपर वाले ने इतनी अक्ल दी है, हमें ये बात समझनी चाहिए और समझना चाहिए कि ये जानवर है और इनकी जितनी अक्ल है वो उतना ही कर सकते हैं। तो कभी कुछ अगर हो भी जाता है तो उसको लेट गो करना सीखिए, यही इंसानियत है, यही आपका सही रास्ता है जिसके लिए आपको बनाया गया है। और आज के इस वीडियो से अगर एक इंसान ने भी अपनी सोच बदल दी इन स्ट्रे डॉग्स और स्ट्रे एनिमल के पीछे, तो मुझे मेरा वीडियो बनाना वर्थ लगता है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय।